Hi everyone, namaste, good morning to all of you. Welcome to our blog and welcome to our channel. आज हम लोग एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं कुछ मॉन्क्स लोग के साथ, एक माउंटेन विजिट करने के लिए जहां एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहां पे जा रहे हैं. कुछ पिकनिक जैसा कुछ प्लान किया हम लोग. सो लेट्स स्टार्ट. यही मेरा बाइक है, मैं ये बाइक से जा रहा हूँ. ड्यूक 125 KTM. अभी हम लोग माउंटेन पहुंच गए हैं. हाय बोलो. हाय हाय. अभी हम लोग माउंटेन पहुंच गए हैं बस, और थोड़ा थोड़ा ऊपर और बाइक जाएगा, उसके बाद बाइक साइड में लगाए. अभी बाइक ऊपर चढ़ रही है. ठीक है, हम सभी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड अभी ऊपर जाएंगे, थोड़ा पूजा करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ेंगे, है ना. वेनरेबल सर से मिल लीजिए. ठीक है, चलो चलते हैं. और यहाँ पे जो बंदर का थोड़ा सा ये आने पे थोड़ा सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपका बैग बंदर भी ले जा सकता है. अभी वेनरेबल सर फ्लावर्स ले रहे हैं. एक मुझे भी दो यार. ये टेंपल विजिट करने के लिए फ्लावर लिए हैं. नहीं, फ्लावर ही सही है. जस्ट ऊपर चल रहे हैं मंदिर में. पूरा थक चुके हैं. ऊपर चढ़ गए, और ऊपर जाना है. ये रहा आपका माउंटेन मॉनेस्ट्री. ये मॉनेस्ट्री जो माउंटेन के ऊपर है. जो फ्लैग देख रहे हैं वो टिबेटन फ्लैग, ये है स्पिरिचुअल फ्लैग, धार्मिक झंडा है जो गुडनेस के लिए लगाया जाता है. यहाँ पे ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है. जो मॉनेस्ट्री है जो टिबेटन स्टाइल में बना हुआ, टिबेटन ट्रेडिशन टाइप से बना हुआ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना व्यू है. टिबेटन कल्चर से इंस्पायर हुआ है ये मॉनेस्ट्री. ये मॉनेस्ट्री का स्तूप है. पूरा माउंटेन के ऊपर है जो ये गुडनेस के लिए ये कपड़ा बांध रहे हैं. यहाँ पे ये कपड़ा लगा रहे हैं. ये कपड़ा लगाकर जो भी विश या कुछ जिनको मांगना होता है वो लोग मांगते हैं. अभी हम लोग कैफ की तरफ चलेंगे, गुफा की तरफ, जहाँ पे एक अंदर स्टैचू है और बुद्धा का, वो वहाँ पे विजिट करेंगे, पूजा करेंगे. चलें ऊपर चलें. कहाँ गए ग्रुप के साथ मैं आया हूँ. तो अभी
लोग ऊपर चल रहे हैं आओ ठीक से ये रहा बगल में वो कैफ है गुफा उसी के अंदर एक यहाँ का वही कैफ के लिए जाना जाता है यहाँ पे दीपक जल रहा बटर अभी हम लोग कैफ के अंदर चलेंगे ये रहा कैफ अंदर चलेंगे अभी अंदर चल रहे हैं स्टैचू तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ठंड है यहाँ वैसे यहाँ बहुत मैं बाहर निकल रहा हूँ इसके बगल में सेकंड टेम्पल सेकंड मंदिर इसके अंदर मैं गुफा दिखा रहा हूँ सो और जो वेनरेबल यहाँ पर बहुत पूजा कर रहे हैं मेरे साथ आए अभी वेट कर रहे हैं हम लोग बंद जी के साथ वेनरेबल सर के साथ अभी एक मंक है जो अंदर गए हैं गुफा के अंदर थोड़ा सा दर्शन के लिए उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर माउंटेन पे उसके ऊपर अभी हम लोग माउंटेन पे चलेंगे तो सॉरी तो पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता इधर से है अभी हम लोग चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर माउंटेन ये इधर बंदर बहुत है शायद दिखाई दे रहा होगा आपको और अभी चढ़ने का प्लानिंग ऊपर जाना है तो बनते चढ़ने के लिए रेडी हैं चलिए ये चल रहे हैं ऊपर बड़ा जीप है संभाल कर ओ माय गॉड माउंटेन प्लान करना तो मजा अभी चल रहे हैं बैलेंस वेनरेबल्स घंटे लोग ऊपर चल रहे हैं बहुत ग्रिप स्लिप कर रहा पांव बहुत स्लिप हो रहा क्या हुआ भंते थक गया लगता है ना अरे पांव बहुत स्लिप कर रहा है ना ओह माय गॉड मेरा ओए आराम से चलो और इतना ऊपर चलना उन लोग कहाँ गया आ
बंदे जी आराम चलिए ठीक है। चलो 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 क्या हुआ थक गए बंदे इतना जल्दी चलिए चलिए पूरा थक गया था। अब जस्ट पहुंचने वाला है पूरा थक गया हूँ चढ़ते चढ़ते। चलिए बंदा यस वी डिड इट। ओ बस लेगा ठीक है और थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर पूरा थक गया जी थक गया पूरा। लियोर पीक पे चढ़ने के लिए थोड़ा और 5 मिनट का टाइम लगेगा। चल रहे हैं ऊपर चढ़ गया पूरा थक गया भी। ये रहा इस पहाड़ का टॉपिक। नहीं नहीं जाना उधर बस सेकंड टॉपिक पे ही रहना है। टॉप पे यहाँ से इसका यहाँ से यहाँ का व्यू ऐसा दिखता है। व्यू तो बहुत खूबसूरत है देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि बादल को टच करते हुए। बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा और एडवेंचर करते हैं। ठीक से आना देख इधर कितना खाई है बहुत बड़ा खाई है देखो एक जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ एकदम नीचे जाओगे नीचे नहीं ऊपर जाओगे फिर मत हो तुम लोग इधर। व्यू तो बहुत खूबसूरत है बहुत खतरनाक भी उतना ही है जोखिम से भरा हुआ। इतना ही माउंटेन कर बहुत आगे तक जाती है उतना तो जा नहीं सकते हैं तो नीचे सीधा देखिए। अभी पिकनिक करके भी पहाड़ के नीचे हमें नीचे उतर चुके हैं नीचे आ गए हैं
अब यहाँ से अभी हम लोग पैदल जाएंगे और यहाँ से बाय वॉक हम लोग 10 या 12 किलोमीटर का पड़ेगा, जो बहुत लोग जा रहे हैं पैदल। उसके साथ मैं जो भी मेरा मॉन्क्स लोग साथ में आए थे वो लोग भी पैदल चल रहे हैं, और हम लोग मैं अपने ड्यूक 125 ड्यूक पे हूँ, मैं भी धीरे धीरे चलूँगा। और ठीक है, देखिए जस्ट लेस चलते हैं अब जैसे रखना। ये बहुत सारे लोग जो पैदल चल रहे हैं, और ये बाय वॉक 15 किलोमीटर पहाड़ के नीचे नीचे होते हुए जाएंगे, और यही एक एडवेंचर है। देखिए हमारे वेनरेबल सर अभी वापाचे 160 पे हैं, ये भी धीरे धीरे चलेंगे। अभी हम लोग एक राइड और वॉक एंजॉय कर रहे हैं साथ में। ये एक माउंटेन, इधर ये माउंटेन साइड विलेज है, इधर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। नीचे रास्ता है जो मुझे हम लोग को ये नीचे निरंजना रिवर फल्गु रिवर तक पहुंचाएगी। अब थोड़ा सा कमरते हैं धमाल और लगाते हैं एक रेस पहले रास्ता।
पैदल कौन कौन है? विमल देवंत्या नहीं है ना, राहुल है, राहुल और शिवली है। एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ के नीचे, ये भी लग रहा है भाई, फूल खा जाता है। देख के नहीं चलाता यार, एडवेंचर मेरा ये रहा हमारा ऑफ रोड एडवेंचर। सो ये ऑफ रोड के बाद हम लोग कुछ देर के लिए रुकेंगे, जो हमारे सपाटे हैं यानी कि हमारे मित्र लोग, वो भी पैदल चल रहे हैं, उनके लिए हम लोग को बीच में रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑफ राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। माउंटेन एरिया है वो खत्म होने वाला है, जस्ट हम लोग अभी वेट कर रहे हैं उसका, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सी ये हमारा लास्ट पिक टॉप जो पीछे है, वो अब यही लास्ट पॉइंट है, और हल्का सा माउंटेन और एडवेंचर रास्ता थोड़ा सा बचा है, और वो भी हम लोग जस्ट 10 या 15 मिनट में तय कर लेंगे। अच्छी चलती है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ऑन रोड हो या ऑफ रोड हो या कोई भी रास्ता में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करती है। चलो लो चलिए बस ऑफ राइड कर ऑफ रोड करते हुए ऑफ रोडिंग। तो हम लोग थक गया नहीं थका, थक गया दे रहा। चलो फिर देरी से थकते हैं कभी। Thank you.
रहा रिवर। अब हम लोग रिवर के पास पहुंच गए हैं बस। बस अभी और जैसे नीचे हो जाएंगे ना के बाद अभी नीचे ढलेंगे। ये फिर रिवर क्रॉस करना है, ये रिवर्स क्रॉस करना, रिवर्स निकलेंगे आगे। अभी हम लोग वेट करते हैं अपने दोस्त लोग का। अभी हम लोग रिवर क्रॉस करेंगे। अभी हम लोग रिवर क्रॉस करेंगे। ये रहा रिवर फल्गू रिवर। उतार दीजिए आप, बांध जाएगा पूरा गाड़ी पीछे पीछे आना, ठीक है, रिकॉर्ड करते हुए। ये रहा मेरा ड्यूक नदी को बीचे बीच। अभी हम लोग थोड़ा सा, ये पानी है, ये पानी क्रॉस करेंगे, उसके बाद हमारा एडवेंचर कंप्लीट हो जाएगा। Yeah, that's good.